Creating Basic Content पर Spoken Tutorial में आपका स्वागत है। इस Tutorial में हम सीखेंगे Content Types, Article लिखना और बुनियादी पेज बनाना। इस Tutorial को रिकॉर्ड करने के लिए मैं Ubuntu Linux Operating System, Drupal 8 और Firefox Web Browser का उपयोग कर रही हूँ। आप अपने अनुसार किसी भी Web Browser का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले कंटेंट टाइप के बारे में सीखते हैं। Drupal में कंटेंट टाइप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का कोर है। यह साइट की रीढ़ की हड्डी की तरह है। यह एक बात है जो Drupal को अन्य CMS से अलग करती है। अधिकांश CMS में केवल शीर्षक और ढांचा होता है और उससे पता चलता है कि यह पूरी तरह से अपर्याप्त है। Drupal में प्रत्येक कंटेंट आइटम को नोड कहते हैं। प्रत्येक नोड एक ही कंटेंट टाइप के अंतर्गत आता है। अब कंटेंट टाइप के महत्व को समझते हैं। कंटेंट टाइप उस प्रकार के नोड्स के लिए विभिन्न डिफॉल्ट सेटिंग को परिभाषित करता है, जैसे कि नोड स्वचालित रूप से प्रकाशित की गई है या कमेंट्स की अनुमति दी गई है, और हमारी साइट में कंटेंट कैसे जोड़ा जाता है, प्रत्येक कंटेंट टाइप के फील्ड्स होते हैं, किस प्रकार का कंटेंट प्रविष्ट हो रहा है, इसके आधार पर हमारे पास जानकारी के लिए आवश्यकता अनुसार फील्ड्स हैं। मैं इसे इस तरीके से समझाती हूँ। यह imdb.com है, जो Drupal साइट हो सकती है। यह फिल्म रेड के बारे में है। स्क्रीन पर आप देखेंगे पोस्टर, शीर्षक, रिलीज की तारीख, पेरेंटल, रेटिंग, रन टाइम, फिल्म की शैली, बॉडी या फिल्म का विवरण। हमारे पास पीपल फील्ड, साथ ही कुछ अन्य लिंक्स और बटन्स और अन्य चीजों का एक सेट होगा। अन्य CMS में CSS में इस लेआउट को बनाने के लिए हम Dreamweaver का उपयोग कर सकते हैं। क्या होगा जब हम 2010 में सभी फिल्मों के लिए लैंडिंग पेज, स्टार, ब्रूस विल्स, पेरेंटल, रेटिंग, PG-13 के साथ चाहते हैं। यदि आप अन्य CMS का उपयोग कर रहे हैं तो यह करने में कठिनाई होगी, लेकिन Drupal में यह बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। यह कंटेंट टाइप्स का असली फायदा है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ निर्मित कंटेंट टाइप्स को समझते हैं। बाद में हम नए कंटेंट टाइप्स को बनाने के बारे में भी सीखेंगे। अपनी Drupal साइट को खोलें, जिसे हमने पहले बनाया है। पहले हम आर्टिकल कंटेंट टाइप के बारे में सीखेंगे। कंटेंट पर और फिर ऐड कंटेंट पर क्लिक करें। ध्यान दें कि हमने पहले ही एक आर्टिकल बनाया है। अब हम सभी एलिमेंट्स के साथ एक अन्य आर्टिकल बनाएंगे। आर्टिकल पर क्लिक करें। एक आर्टिकल में एक अनिवार्य फील्ड है, अर्थात टाइटल। यदि हम बॉडी में कुछ भी नहीं लिखते हैं तो भी हमारे पास कुछ होगा। एक आर्टिकल कंटेंट टाइप समरी के साथ आता है। यदि हम समरी में कुछ नहीं लिखते हैं तो Drupal इसे बनाने के लिए पहले कुछ अक्षरों को लेता है। इसे टीजर मोड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ टेक्स्ट की कुछ लाइंस लिखेंगे। आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। यह मेरा टेक्स्ट है। यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेट दर्शाता है कि हमें HTML में किन एलिमेंट्स को रखने की अनुमति है। हमारे पास बेसिक, रेस्ट्रिक्टेड और फुल HTML है। क्योंकि हम सुपर यूजर हैं तो हम सब कुछ देख सकते हैं। आमतौर पर जब एक यूजर एडिटर या पब्लिशर के रूप में लॉगिन करता है तो यहाँ केवल एक ही टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। उनको केवल उस टेक्स्ट फॉर्मेट को उपयोग करने की अनुमति होती है। अधिक जानकारी के लिए अबाउट टेक्स्ट फॉर्मेट्स लिंक पर क्लिक करें। अभी के लिए बेसिक HTML चुनें। बेसिक HTML हमें सोर्स कोड को देखने की और कुछ बेसिक HTML एलिमेंट्स जैसे पैराग्राफ टैग, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और कुछ अन्य को उपयोग करने की अनुमति देता है। फुल HTML हमें जावास्क्रिप्ट और आईफ्रेम्स सहित किसी भी HTML को एम्बेड करने की अनुमति देता है। रेस्ट्रिक्टेड HTML में हमें सिर्फ कुछ जैसे कि पैराग्राफ टैग या लाइन ब्रेक्स प्रविष्ट करने की अनुमति होती है। WYSIWYG एडिटर C के एडिटर है।
हम इसे बाद में सीखेंगे। हम यहाँ bold, italics, linking, unordered और ordered lists, block, quote और image को देख सकते हैं। formatting dropdown से हम कई h tags और फिर view source चुन सकते हैं। जब मैं text format को बदलती हूँ, तो मुझे बहुत सारे buttons दिखते हैं। हम इनके बारे में बाद में सीखेंगे। अभी के लिए इसको basic HTML में ही रखते हैं। continue button पर क्लिक करें। अपने आर्टिकल को पूर्ण करते हैं। एक बार फिर से टैग्स, इंट्रोडक्शन और ड्रुपल का उपयोग करते हैं। अभी के लिए हम इमेज को खाली ही रखेंगे। आपने पहले ही देखा है कि यह कैसे कार्य करता है। यहाँ दाईं ओर हम विजिबिलिटी और पब्लिकेशन सेटिंग्स देखते हैं। इस विशेष आर्टिकल के लिए वर्जन कंट्रोल इनेबल करने के लिए क्रिएट न्यू रिवीजन चेकबॉक्स पर क्लिक करें। यदि हम मेन्यू लिंक में एक आर्टिकल को जोड़ना चाहते हैं, तो प्रोवाइड अ मेन्यू लिंक चेकबॉक्स पर क्लिक करें। यदि आप ऐसा करते हैं, तो हमें सैकड़ों मेल मिलेंगे, इसलिए चेक मार्क को हटाएं। हम एक विशेष नोड पर कमेंट्स ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ हम URL alias दे सकते हैं। यदि रिक्त रखते हैं, तो Drupal हमारे लिए यह बनाएगा। Authoring information के नीचे हम देख सकते हैं कि इस नोड को किसने बनाया है और कब बनाया है। Promotion options के नीचे हम view setting सेट कर सकते हैं, जैसे कि या तो इस नोड को फ्रंट पेज के लिए प्रमोट किया जाएगा और या तो यह सूची के शीर्ष पर स्टिकी होगा। ये सेटअप हैं जब हम अपने कंटेंट टाइप को बनाते हैं और एडिटर इनको बदलना नहीं चाहता है, लेकिन हम अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। अंत में अपने नोड को सेव करने के लिए सेव एंड पब्लिश पर क्लिक करें। तुरंत ही नोड हमारी साइट पर लाइव दिखता है। हम इसे यहाँ देख सकते हैं। होम पेज पर क्लिक करें। हमारे पास वेलकम टू Drupalville और Drupalville's सेकेंड आर्टिकल है। टीजर मोड में ये पब्लिकेशन डेट ऑर्डर में प्रदर्शित होता है। रीड मोर और एड न्यू कमेंट लिंक्स यहाँ हैं। Drupal शब्द के साथ सभी नोड्स टैग्ड की सूची को प्राप्त करने के लिए Drupal लिंक पर क्लिक करें। फिर से नोड्स पब्लिकेशन डेट ऑर्डर में प्रदर्शित होते हैं, जो कि आर्टिकल कंटेंट टाइप है। एडिट लिंक पर क्लिक करें। हम अपने अनुसार यहाँ कुछ भी प्रविष्ट कर सकते हैं। Drupal हमें डिफॉल्ट रूप से बहुत सारे विकल्प देता है। सेव एंड कीप पब्लिश्ड पर क्लिक करें। हम कंटेंट टाइप्स का उपयोग किसी के लिए भी कर सकते हैं। अन्य आइटम को जोड़ते हैं। शॉर्टकट्स और ऐड कंटेंट पर क्लिक करें। बेसिक पेज को चुनें। बेसिक पेज में टाइटल और बॉडी शामिल हैं। वहाँ कोई टैग्स और इमेजेस नहीं हैं। यह डिफ़ॉल्ट रूप से प्रमोटेड टू फ्रंट पेज नहीं है। इसके अलावा यहाँ कमेंट करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह होम पेज के लिए प्रमोट नहीं है। नया मेन्यू बनाने के लिए यह बहुत ही आसान है। अबाउट Drupalville टाइप करें। अपने अनुसार यहाँ कुछ टेक्स्ट टाइप करें। अब मेन्यू सेटिंग्स के नीचे प्रोवाइड अ मेन्यू लिंक को चेक करें। आप देखेंगे कि टाइटल मेन्यू टाइटल में बदल गया है। यदि हम चाहें, तो इसे कम कर सकते हैं। इसे मेन नेविगेशन में देखें और अभी के लिए वेट 0 रखें। वेट जहां मेन्यू सूची में दिखाई देगा, निम्न संख्या या नकारात्मक संख्या इसे उच्चतर कर देगी, अर्थात यह शीर्ष पर दिखेगा। बाकी सब कुछ समान रखें। सुनिश्चित कर लें कि मेन्यू लिंक चेक हुआ है और सेव एंड पब्लिश पर क्लिक करें। हमें एक अबाउट Drupalville लिंक प्राप्त होता है। यह हमें अबाउट Drupalville नोड शीर्षक के साथ बेसिक पेज कंटेंट टाइप पर ले जाएगा। नोड आईडी 3 है। यदि आपने पहले ही और नोड्स जोड़े हैं, तो आपकी नोड आईडी मुझसे भिन्न हो सकती है। नीचे बाईं ओर हम देख सकते हैं कि नोड आईडी 3 है, तथापि आपको अक्सर उसकी जरूरत नहीं है। यह मेन्यू लिंक के साथ आर्टिकल और बेसिक पेज कंटेंट टाइप है। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में पहुंच गए हैं। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने कंटेंट टाइप्स, आर्टिकल लिखना और बेसिक पेज बनाने के बारे में सीखा।
यह वीडियो एक्यूआ और ओएस ट्रेनिंग से लिया गया है और स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है। इस लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है, कृपया इसे डाउनलोड करके देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NVLI संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है। यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।